नमस्कार, डीवी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं नीलोफर खान। पूरे देश में गुड फ्राइडे पूरी श्रद्धा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बरेली के मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर मसीह समाज के लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा की। आज के ही दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपना बलिदान दिया। प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मार्ग पर चलने और बलिदान को याद किया गया। चर्च के पदाधिकारी ने बताया कि प्रभु ईसा मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपना बलिदान दे दिया, जिससे हम आपस में प्रेम और दूसरों को क्षमा कर सकें। वहीं आशुतोष का कहना है कि आज के दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और अपना बलिदान दिया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु ईसा मसीह फिर जीवित हो उठे, जिसे ईस्टर संडे के रूप में खुशी से मनाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशुतोष है। आज गुड फ्राइडे है, किस तरह से गुड फ्राइडे मनाया जाता है और क्या जो संदेश है ईसा मसीह जी का और किस तरह से मनाया जा रहा है? आज हम बीते 40 दिन का उपवास रखते हैं। तमाम जो ईसाई समुदाय है, तमाम लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं। उपवास के बाद आज का दिन जो होता है, जो हमारे ईसा मसीह हैं उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, और तमाम लोगों को ये प्रतीत करता है कि वो हमारे पापों के खातिर अपनी जान उन्होंने सूली पे गवाई और तमाम दुनिया के लोग उससे लाभान्वित हुए। और आने वाले दिन में, आने वाले संडे में, इतवार में वो फिर से पूर्ण जीवित हो जाएंगे और वो हम ईस्टर के रूप में एक खुशी के तौर पे मनाएंगे। मेरा नाम नितिन गुप्ता है। सबसे पहले मैं इस पर्व के लिए, जो कि गुड फ्राइडे के रूप में आज संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, आज के दिन एक विशेष कार्य किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर अपने प्राण दिए थे, और जब उन्होंने प्राण दिए तो सारी मानव जाति के लिए एक संदेश दिया, और वो संदेश था कि वो सारी मानव जाति से प्रेम करते थे और इसी के खातिर उन्होंने अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। और वहाँ से ये संदेश दिया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना चाहिए, ताकि ये समाज खुश रह सके और समाज में प्रभु की शिक्षाएं आगे बढ़ सके। आज के दिन सारा ईसाई समाज विभिन्न कलीसियाओं में इसी समय पर आराधना कर रहा है, और ये आराधना दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक संचालित की जाती है। और इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पर संदेश दिया गया था, 7 वचन, उनको स्मरण किया जाता है, और स्मरण के रूप में ईसाई समाज उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो प्रभु ने क्रूस पर किया, कि उसने केवल अपने प्राणों को नहीं दिया, लेकिन एक संदेश दिया समाज को कि हर एक से प्यार करो, हर एक को क्षमा करो, और उसने मृत्यु के पश्चात जीवन का वो मार्ग तैयार किया जिस पर ईसाई समाज चलने का प्रयत्न करता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।